सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने थाना अंबेडकर नगर इलाके में अपने पुराने दोस्त सनी को मारने के इरादे से गोलीबारी करके फरार वांटेड क्रिमिनल तरुण उर्फ गोलू को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है। सनी और तरुण कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोस्ती में ऐसी दरार पड़ी कि अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। आरोपित की पहचान मदनगीर निवासी 27 वर्षीय तरुण उर्फ गोलू के रूप में हुई है, जबकि सनी भी इलाके का घोषित बदमाश है। आरोपी के कब्जे से एक सोफिस्टिकेटेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और .32 बोर के 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साउथ डिस्ट्रिक्ट DCP बेनिता मेरी जैकर ने बताया कि दिनांक 27 मार्च को शिकायतकर्ता सनी, जो कि इलाके का घोषित बदमाश है, ने थाना अंबेडकर नगर में सूचना दी कि सुबह लगभग 6:45 पर जब वह अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से दक्षिणपुरी ई ब्लॉक मदनगीर पहुंचा, तभी 2 मोटरसाइकिल पर 5 लड़के आए और जान से मारने की नीयत से उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि उस समय सनी मौके से भाग गया, लेकिन बदमाशों ने उसके घर तक जाकर फायरिंग की थी। सनी के बयान पर थाना अंबेडकर नगर में FIR संख्या 200/22, धारा 307/34 और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। DCP बेनिता मेरी जैकर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और अपराधियों को जल्द से जल्द दबोचने का जिम्मा राजेश कुमार ACP ऑपरेशन की सुपरविजन व इंस्पेक्टर अतुल त्यागी स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट के नेतृत्व में SI योगेश धर्मेंद्र, ASI दयानंद, अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल राकेश, विपिन, पंकज, कांस्टेबल अखिलेश और अशोक की एक टीम को सौंपा। जिम्मेदारी मिलते ही इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग काम सौंपा। एक टीम यह जानने की कोशिश कर रही थी कि सनी ने थाने में जो शिकायत दी है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि सनी खुद इलाके का घोषित बदमाश था। टीम को लग रहा था कि इलाके में अपना दबदबा बनाने और अपने दुश्मन को फंसाने के लिए सनी ने कहीं झूठी कहानी तो नहीं गढ़ी। सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV फुटेजों को खंगाला, मुखबिरों का जाल बिछाया। क्राइम सीन से लगभग 9 किलोमीटर तक आरोपियों के भागने के रास्ते की जांच की गई। CCTV फुटेज खंगालने पर टीम को आरोपियों के खिलाफ कुछ अहम सुराग हाथ लगे। सुरागों से टीम को यह तो कंफर्म हो गया कि सनी के ऊपर वास्तव में कातिलाना हमला हुआ था। अब टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आरोपी तरुण उर्फ गोलू को दबोचना। टीम में कांस्टेबल अखिलेश इलाके में स्थानीय सीक्रेट सोर्स के जरिए अपराधियों की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। दूसरी तरफ टीम के हेड कांस्टेबल राकेश टेक्निकल सर्विलांस कर रहे थे। वांटेड तरुण उर्फ गोलू इतना शातिर था कि पुलिस से बचने के लिए अपने पास मोबाइल नहीं रखता था और हर थोड़े दिन बाद अपना ठिकाना भी बदल लेता था। टीम के कांस्टेबल अखिलेश स्थानीय मुखबिरों के जरिए लगातार आरोपियों पर नजर रखे हुए थे। दिनांक 27 अप्रैल दोपहर लगभग 11 बजे के आसपास स्पेशल स्टाफ के ऑफिस में इंस्पेक्टर अतुल त्यागी के सामने कांस्टेबल अखिलेश के खास मुखबिर ने आकर बताया कि वांटेड क्रिमिनल तरुण उर्फ गोलू मदनगीर निवासी सनी को फिर से मारने के इरादे से अपने कुछ साथियों से मिलने शाम 4:15 से 5:15 के बीच शेख सराय रेड लाइट के पास आएगा। मुखबिर ने यह भी बताया कि तरुण हमेशा अपने पास अवैध हथियार भी रखता है, यदि वक्त पर रेड की जाए तो संगीन वारदात को होने से रोका जा सकता है। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना देकर एक रेडिक टीम बनाई। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने मौके पर जाने से पहले रेडिक टीम को ब्रीफ किया। दोपहर लगभग 3:50 पर वांटेड क्रिमिनल को दबोचने के लिए स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से रेडिक टीम 2 गाड़ियों में रवाना हुई। पहली गाड़ी में इंस्पेक्टर अतुल त्यागी के साथ हेड कांस्टेबल राकेश, कांस्टेबल अखिलेश, अशोक व मुखबिर सवार था। दूसरी गाड़ी में ASI दयानंद, अशोक, हेड कांस्टेबल विपिन व पंकज सवार थे। टीम लगभग 4:10 पर BRT रोड शेख सराय रेड लाइट पर पहुंची। टीम ने शेख सराय रेड लाइट और खानपुर की तरफ जाने वाले रोड पर अपना जाल बिछा दिया। दोपहर लगभग 4:30 पर एक सस्पेक्ट व्यक्ति चिराग दिल्ली की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। मुखबिर के इशारा करते ही टीम ने सस्पेक्ट व्यक्ति को चारों ओर से घेर लिया। अपने आप को पुलिस से घिरा देखकर आरोपित ने पुलिस टीम पर पिस्टल तान दी। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने बड़ी चालाकी से आरोपी को बातों में उलझा लिया, जिससे आरोपी का ध्यान भटक गया। इसी दौरान कांस्टेबल अखिलेश ने पीछे से आकर बिना डरे और अपनी जान की परवाह किए बिना आरोपी के पिस्टल लिए हाथ को पकड़कर ऊपर आसमान की तरफ कर दिया। इस बीच टीम के बाकी सदस्यों ने आरोपी को काबू कर लिया और उसके हाथ से लोडेड पिस्टल छीन ली। आरोपी के कब्जे से एक सोफिस्टिकेटेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और .32 बोर के 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी की पहचान 27 वर्षीय तरुण उर्फ गोलू पुत्र राजकुमार निवासी ए फर्स्ट 115 मदनगीर के रूप में हुई।
पूछताछ के दौरान आरोपित तरुण ने बताया कि वो और सनी अच्छे दोस्त थे, लेकिन सनी का दक्षिणपुरी निवासी भोला से झगड़ा हो गया और वह भोला को जान से मार देना चाहता था। तरुण उन दोनों के बीच कॉमन दोस्त था, लेकिन सनी ने उसे भोला को खत्म करने के लिए मुखबिर की तरह इस्तेमाल करना चाहा। तरुण के मना करने पर सनी ने दिसंबर 2021 के दौरान उसे बुरी तरह पीट दिया। तरुण ने सनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गया। सनी उसे लगातार गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा था। लगातार धमकियों से परेशान होकर आरोपी तरुण उर्फ गोलू ने सनी को मारने का फैसला किया। इसी बीच दक्षिण दिल्ली के इनामी अपराधी और हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य शाहरुख ने तरुण से संपर्क किया और तरुण को हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। शाहरुख भी सनी को मारना चाहता था क्योंकि वो थाना अंबेडकर नगर के कुणाल मर्डर केस में शाहरुख के खिलाफ गवाह है। आरोपी तरुण उर्फ गोलू एक अफगान नागरिक खालिद द्वारा उपलब्ध कराए गए व्हाट्सएप लिंक के जरिए नियमित संपर्क में था। खालिद को एनडीपीएस के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह तिहाड़ जेल में शाहरुख के संपर्क में आया था। मदद का हाथ पाकर आरोपी तरुण उर्फ गोलू ने शाहरुख से हाथ मिलाया और रेकी के जरिए हर संभव जानकारी जुटाकर सनी को मारने का सीक्रेट प्लान बनाया। आखिरकार 27 मार्च 2022 को मौका पाकर उसने शाहरुख, उमर, अरशद और यूसुफ के साथ मिलकर सनी पर फायरिंग कर दी थी। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।